तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो सब लोगों को ये बताएंगे कि वर्कआउट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये वर्कआउट क्यों करना चाहिए, सबको वर्कआउट क्यों करना चाहिए, आज उसके ऊपर बताएंगे। सो गाइस, मैं तो यही मानूंगा कि हर एक जो है, हर एक बंदा या जेंट्स लेडीज, सबको वर्कआउट करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब ये नहीं कि फिटनेस इंडस्ट्री में कमाने का, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो गाइस, बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि जिम कौन करेगा, टाइम नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप सबको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि आपको इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहला ये कि आपको खुश रखता है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। चाहे स्टूडेंट हो या चाहे ऑफिस गाय हो, जो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जिनको आज के टाइम में बहुत प्रेशर है, टारगेट्स है, ये है वो है, मतलब दिन में 20-20, 15-15 सिगरेट वो पी रहे हैं, तो मतलब बॉडी में नेगेटिव वाइब्स बढ़ जाते हैं। आप जिम चालू करिए, आपकी बॉडी में डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स बढ़ जाएंगे। क्यों मोंटू? और अपने आप को काफ़ी रिलैक्स भी फील करोगे। सेकेंड, आपका स्टेमिना बिल्डअप करता है गाइस। स्टेमिना जो है आपसे हार्ट से रिलेटेड रहता है, तो आपका जो हार्ट जो रहता है वो बहुत मजबूत होना ज़रूरी है आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। तो ये है कि आपका स्टेमिना बिल्डअप करता है, अगर आप सुबह वॉक के लिए जा रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, तो बहुत ही इफेक्टिव है। होने वाली हार्ट डिजीज़ को वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है, आपके हार्ट को मजबूत बनाता है। बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना, ये जो है कंट्रोल में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके जो मसल्स और आपके जो बोन्स जो है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आप जिम करते हो तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, तो उसमें जैसे आप जिम चालू करते हो तो बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। और टेस्टोस्टेरोन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना के रखे हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिए। जो फोर्थ पॉइंट है गाइज हमारा, वो है आपका वेट लॉस और वेट गेन। अगर आप जो वेट लॉस करना चाहते हो आपका वेट लॉस होएगा, आपको वेट गेन करना चाहते हो आपका वेट गेन होएगा। डिपेंड है कि उसमें आपको डाइट कैसी लेनी है, तो उसमें भी आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। जिनका वेट ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, जिनका कम है जिनको बढ़ाना है वो बढ़ेगा। सो गाइस, फिफ्थ पॉइंट है अपना रिड्यूस क्रॉनिक डिजीज। मतलब अगर आपका जो बेली निकला हुआ है, तो जिसकी वजह से आपका अगर आप वेट आपका ज़्यादा है और तो आपको टाइप डायबिटीज़ हो जाती है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। जिम करने की वजह से ये सब चीज़ें जो है क्योर हो, मतलब ये सब चीज़ें जो है फिक्स हो जाती है। मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ भी नहीं होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने को फिट महसूस करोगे। ब्रेन हेल्थ और हमारी मेमोरी वो इम्प्रूव होती है। हमारा ब्रेन का जो है हेल्थ बढ़ता है, उसकी मेमोरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि फिटनेस मतलब ओवरऑल फिटनेस नहीं है, इंटरनल फिटनेस भी है जो है आपको इसमें काम करता है। और गाइस, जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है कि नींदरा की प्रॉब्लम, मतलब आपकी जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोगों को गाइस नींद नहीं आती है, रात को देर देर तक जागते रहते हैं, क्योंकि काम का स्ट्रेस है, ये है वो है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स में भी बताया था, वो पॉइंट्स वो हर एक चीज़ में जुड़ा हुआ है। तो ये है कि आपका जो है जो स्ट्रेस लेवल कम होएगा, जैसे आप जिम जाओगे तो आपको जो है आपकी नींद भी आपको मिलने चालू हो जाएगी। ठीक है गाइस, जिम करने के बाद में काफ़ी रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आती है, बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स हो जाते हैं, आपका ब्रेन भी है जो है काफ़ी शार्प वर्क करता है। तो ये भी एक पॉइंट में जो है सेवन पॉइंट है हमारा, जो काफ़ी अहम है। दर्द सहन करने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो सोरनेस इतना होता है जब जिम करते हो, आपके पेन इतना होते हो, कल को अगर आपको कुछ चोट भी लग जाएगी तो आपकी जो पेन जो दर्द सहन करने की जो क्षमता जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपको छोटा मोटा दर्द आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो आपकी जो बॉडी जो है वो आपके दर्द जो है झेल पाएगी, जैसा पेन टॉलरेंस जिसे कहते हैं। सो गाइस, हमारा जो अगला पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट है, वो डिसिप्लिन। गाइस, अगर आप जिमिंग स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप डाइट तो प्रॉपरली लोगे, आप टाइम पे उठोगे, आप टाइम पे खाओगे, टाइम पे जिम जाओगे, आपका हर एक जो सिस्टम जो है ना एक प्रॉपर बन जाएगा। टाइम पे जाना तो आपको मालूम है आपको जिम तो करना ही है। और गाइस, उसमें ऐसा है कि आप जो है अपना हर एक काम जो है ना वो टाइम पे करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो काम आप डिले करते थे पहले, वो सोच रहे मैं जल्दी कर लूँ क्योंकि मुझे जिम जाना है, तो आप हर एक काम जो है ना अपना प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ में, अब हर एक जो काम जो है ना अपना डिसिप्लिन के साथ में करोगे, क्योंकि आपका माइंड जो है ना अभी वैसा चलना स्टार्ट हो गया है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे अपना वर्कआउट करना है, मुझे अपनी मील लेनी है, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। और लास्ट जो अहम पॉइंट है वो है अट्रैक्शन। अभी जैसा मोंटू जो है बाल खड़े रख के अच्छी फिजिक बना के अट्रैक्ट कर रहा है दूसरी लड़कियों को, कोई भी कपड़ा पहन लीजिए तो आप एक अट्रैक्टिवनेस लाओगे अपनी बॉडी के लिए, लोग जो है आपको देखेंगे
तो ये एक पॉजिटिव। तो गाइस कोई भी आप कपड़ा पहनिए तो आप अच्छे दिखोगे, और आप नहीं पहनोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे, क्योंकि वो एक अच्छी फिजिक जो लोगों को दिखेगी, आपको भी मोटिवेट करेगी कि आपको, हाँ लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी फिजिक बनाई है, आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी। तो गाइस अगर आपकी नज़र में और भी अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये आप लोगों को शेयर करिए। जो लोग जिम नहीं जाते तो शायद वो कल से ही जिम, कल से क्या आज से जिम करना स्टार्ट कर दे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, और हम आपको और वीडियोस लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे जो ऑफिशियल पेजेस जो है उसे लाइक करिए, हमें लाइव देखना है तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम को जो है फॉलो करिए, जो है नीचे आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेजेस के बारे में। बस इस वीडियो में इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। तो गाइस स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।